हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने एवियल ट्री के अंदर इंसर्शन कैसे करनी है और किस तरह से हमने अपने ट्री को बैलेंस रखना है थ्रू आउट। अगर हमारा ट्री बैलेंस नहीं होता तो किस तरह से हमने एवियल रोटेशंस परफॉर्म करके उसे बैलेंस करना है और फिर अपने नोड को इंसर्ट करना है। देन हमने चेक करना कि हमारा ट्री बैलेंस है कि नहीं, फिर हमने फर्दर नेक्स्ट एलिमेंट की इंसर्शन की तरफ मूव करना है। अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवियल ट्रीज में, वो है हमारा डिलीशन का प्रोसीजर, कि हम कैसे एवियल ट्री से अपनी कोई भी नोड या कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी बाइनरी सर्च ट्री में भी देखा कि हमारे पास जब कोई भी नोड डिलीट होता है तो उस नोड को डिलीट करने के हमारे पास तीन केसेस हैं, ठीक है। हम या तो जब हम कोई भी नोड डिलीट करते हैं वो नोड हमारी लीफ नोड होती है, या फिर जब हम कोई नोड डिलीट करते हैं तो वो हमारी एक ऐसी नोड होती है जिसका सिर्फ एक चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है, या फिर हम एक ऐसी नोड को डिलीट कर रहे होते हैं जिसके दो चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक। तो अभी एवियल ट्री की डिलीशन में भी हम ये तीनों केसेस डिस्कस करेंगे। एवियल ट्रीज की डिलीशन सिमिलर है जिस तरह से हम बाइनरी सर्च ट्री की डिलीशन करते हैं। अगर हम कोड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इंसर्शन भी वैसे ही है। बस उसमें एक आपने चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप नोड बना रहे हैं तो उसमें एक हाइट का भी आपको फैक्टर रखना है, क्योंकि हर दफ़ा हर नोड की हाइट है और जब भी आप रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं बेसिकली वो जो बैलेंस फैक्टर है वो कैलकुलेट हो रहा है, और वो बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कैसे होगा, वो आपकी हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री से ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो इसके अलावा कोई इतना डिफरेंस इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। अब हम आते हैं वापस डिलीशन पे। डिलीशन में हमने कहा इसकी इम्प्लीमेंटेशन वैसे ही होगी जैसे आपने पहले तीन केसेस इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक नोड हमने जो डिलीट करना है वो 60 है, दूसरा जो डिलीट करना है आपने वो 50 है, तीसरा जो आपने डिलीट करना है वो है 72। अगर मुझे 60 नोड को डिलीट करना है तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 60 नोड हमारा लीफ नोड कंसिडर होता है, तो ये हमारा डिलीट होगा यूजिंग केस ए, ठीक है। अगर हम 50 को देखें तो 50 हमारे पास यहाँ पे एक नोड है जिसके दो चाइल्ड है, ठीक है। यहाँ पे 72 को देखें तो ये एक ऐसा नोड है जिसके दो चाइल्ड है, ठीक है। हम 80 को भी डिलीट करके देख लेंगे कि जो केस बी को फॉलो करे, ताकि नोड विद वन चाइल्ड भी हम डिलीट करके देख लें। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि हमने डिलीशन तो वैसे ही करनी है, लेकिन एवियल ट्रीज में डिलीशन करते वक्त आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका ट्री कभी भी अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। जब भी आप डिलीशन कर रहे हैं तो डिलीशन के बाद आपने अपने ट्री के दोबारा से बैलेंस फैक्टर चेक करने हैं। अगर वो बैलेंस फैक्टर अदर देन -1, 0 एंड 1 हुए तो आपने अपने ट्री को रोटेशंस परफॉर्म करवानी है। और वो रोटेशंस कौन सी हैं, हमने ऑलरेडी चार टाइप की रोटेशंस पढ़ी हैं, ठीक है। नंबर 1 हमने पढ़ी थी, हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन थी, ठीक। नंबर 2 हमने पढ़ी थी, हमारे पास थी राइट राइट रोटेशन, ठीक है। फिर हमने पढ़ी तीसरी राइट लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। फिर हमने पढ़ी, प्रीवियस वीडियोस में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे इनको डिस्कस नहीं कर रहे दोबारा से, कि लेफ्ट रोटेशन या लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन का क्या मतलब क्या बनता है, ठीक है। या फिर आपकी हो सकती है लेफ्ट राइट रोटेशन, ठीक है। तो आप अपनी जो अनबैलेंस्ड नोड होती है उसको देखते हुए आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपने ट्री को बैलेंस करने के लिए इन चारों में से कौन सी रोटेशन को अप्लाई करना है, ठीक है। चलें अब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं देखने के लिए कि हम किस तरह से 60 को डिलीट करेंगे। हमने यहाँ पे नोड 60 को डिलीट करना है जो कि हमारी लीफ नोड यहाँ पे कंसिडर की जा रही है, ठीक है। हमने इस नोड को डिलीट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे अपने इस वक्त जो हमारा ये ट्री है इसके अगर कैलकुलेट करूँ मैं बैलेंस फैक्टर तो क्या बनेंगे। ये चूंकि लीफ नोड थी तो इसको हम यहाँ पे 0 कह देते हैं, ये भी लीफ नोड है इसको भी 0, जो इसका बैलेंस फैक्टर है वो 0 है, ये भी 0 है। ये नोड अगर देखी जाए तो इसका हमारे पास लेफ्ट सब ट्री 0 है और राइट सब ट्री 1 है, तो इसका मतलब है इसका जो आपके पास बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट होता है वो हमारा -1 है।
यू ऑल्सो यू शुड रिमेंबर कि बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है. हम लेफ्ट सब ट्री की हाइट में से राइट सब ट्री की हाइट को माइनस करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस वन है और हाइट जो राइट सब ट्री की उसकी वन है. अगर 50 का हम कैलकुलेट करें बैलेंस फैक्टर, तो 50 की लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 1 और राइट सब ट्री की हाइट है 2. तो 1 माइनस 2 हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट होगा माइनस 1. अगर 72 की कैलकुलेट करूँ मैं बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करूँ, तो इसका अगर आप देखें तो इसकी हाइट कितनी बनती है लेफ्ट सब ट्री की 1, 2, 3. ठीक है, तो 3 और राइट सब ट्री की कितनी बनती है 1, 2. तो लेफ्ट हाइट सब ट्री लेफ्ट हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. ठीक है, और अगर इसका देखा जाए तो ये इसके लेफ्ट सब ट्री नल है और राइट सब ट्री 1 है, तो इसका आपके पास जो बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट होगा वो -1 कैलकुलेट होगा. तो इस वक्त अगर आप देखें तो ये ट्री हमारा बैलेंस है, क्योंकि हमारे पास कोई भी बैलेंस फैक्टर -1, 1 और 0 के अलावा नहीं बन रहा. ठीक है, अब हम डिलीट करते हैं अपनी पहली नोड, लेट से 60 को डिलीट करते हैं. ठीक है, अब केस ए को यूज करते हुए हमने अपनी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे फाइंड का मेथड कॉल करेंगे और हम ढूंढेंगे कि हमारा एलिमेंट मौजूद कहाँ पे. ऐसे में 60 इज लेस देन 72 तो हम अपने लेफ्ट साइड पे ट्री के मूव करेंगे, 60 इज ग्रेटर देन 50 तो हम 50 के राइट साइड पे मूव करेंगे, 60 इज ग्रेटर देन 56 तो हम अपने 56 के राइट सब ट्री पे मूव करेंगे. तो यहाँ आके हमने चेक किया कि हमारा जो एलिमेंट हम फाइंड करना चाह रहे थे डिलीट करने के लिए वो हमें मिल गया. ठीक है, तो यहाँ से लोकेशन रिटर्न की जाएगी और पेरेंट नोड रिटर्न किया जाएगा. अब हम आते हैं डिलीशन के केस की तरफ. जब हमने डिलीट करना है तो हमने सिंपली क्या करना है कि हमने इस जो 0x88 का पॉइंटर है इसकी जगह हमने यहाँ पे नल स्टोर कर देना है. तो जैसे हम नल स्टोर करेंगे यहाँ पे तो हमारा ये नोड डिलीट हो जाएगा. ठीक है, इसको हम कहते हैं ये डिलीट हो गया. ठीक, अब हमारे पास जो बाकी नोड बचे हैं वो हमारे ये नोड्स बचे हैं 50, 48, 56 एंड 72, 80 एंड 94. ठीक है, अब हम दोबारा से इनके जो फैक्टर्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं. हम कहते हैं हमारे पास हम कर देते हैं, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो नोड बाकी बची हैं वो हमारे पास, इसको मैंने डिलीट कर दिया. ठीक है, और यहाँ पे नल पड़ा था. ठीक हो गया, अब हम कह रहे हैं कि हमने जो बाकी ट्री हमारे नोड बची हैं उनका हम बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं. अगर मैं 48 का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करूं तो इसका लेफ्ट राइट सब ट्री दोनों नहीं है तो इसका 0 कैलकुलेट होगा. इसका भी हमने चूंकि 60 को डिलीट कर दिया था इसलिए ये 0 रह गया, ये इसका भी बैलेंस फैक्टर 0 है. अगर 50 का बैलेंस फैक्टर देखा जाए तो क्या होगा, जो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री है वो 1 है, हाइट ऑफ राइट सब ट्री भी 1 है, तो इसका भी बैलेंस फैक्टर हमारा 0 कैलकुलेट होगा. अगर मैं 72 का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करूं तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 1 एंड 2 और हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज 1 एंड 2, इट्स अगेन 0. अगर मैं 80 का कैलकुलेट करूं तो 80 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 0, राइट सब ट्री की हाइट है 1, तो ये हमारा आ गया -1. ठीक है, तो अगर आप अगर देखें आप तो हमारे पास स्टिल हमारा जो ट्री है वो बैलेंस ट्री है. ठीक, अब हम ऐसे करते हैं कि हम अपनी एक और नोड को डिलीट करते हैं विच इज 50. ठीक है, अब जब मैं 50 को डिलीट करूंगी तो 50 मेरी एक ऐसी नोड है जिसके दो चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं, एक है 48 और दूसरा है 56. तो हमने ऑलरेडी केस सी में डिस्कस किया था कि हमें अगर किसी ऐसी नोड को डिलीट करें जिसमें ऑलरेडी जिसके दो चाइल्ड हों तो हम क्या करते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास. एक तो हम मूव करते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए ताकि हमें इन ऑर्डर सक्सेसर मिल जाए और हम उसे रिप्लेस कर दें और देन यूजिंग केस ए हम उसको डिलीट कर देते हैं या केस बी डिलीट कर देते हैं. दूसरा तरीका हमारे पास मौजूद है कि हम इन ऑर्डर प्रीडिसेसर फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, अब इन ऑर्डर सक्सेसर की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं राइट मोस्ट सब ट्री के अंदर जो मिनिमम नोड होगी वो हमारी जो है वो इन ऑर्डर सक्सेसर होती है. और अगर हम प्रीडिसेसर की बात करें तो हम कहते हैं हमारे जो लेफ्ट सब ट्री होता है उसमें मैक्सिमम नोड जो मौजूद होती है वो हमारे पास इन ऑर्डर प्रीडिसेसर मौजूद होती है. अगर इस सिनेरियो में देखा जाए तो हमारे पास 48 और 56 अकेली नोड्स हैं, इनके अलावा कोई नोड ही नहीं है, तो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती.
हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक और नोड भी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, लेट से 30। ये हम एक और नोड कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर मैं देखूं तो अगर मैं इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से प्लेस करूं तो मेरे पास जो मैक्सिमम नंबर लेफ्ट सब ट्री के अंदर मौजूद है वो मेरा इन ऑर्डर प्रीडिसेसर होगा। तो यहाँ से 48 इन ऑर्डर प्रीडिसेसर निकलता है, और अगर मैं इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढूं तो मैं अपने जिस नोड को डिलीट करना है उसकी राइट साइड पे मूव करूंगी, और जो मिनिमम एलिमेंट मुझे मिलेगा उसको मैंने पिक करना है। तो यहाँ पे है ही एक एलिमेंट, तो हम इससे इसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली जो 56 है उसको रिप्लेस कर देते हैं 50 50 से, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50 और हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अगर हम रिप्लेस कर भी दें तो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, तो इससे भी हमारा काम हो जाएगा। अगर आप डिलीट ना भी करें, जावा में हमारे रेफरेंस वैसे भी डिलीट हो जाते हैं। अब हम वापस आते हैं। अब दोबारा जो चूंकि हमने एलिमेंट डिलीट कर दिया, ये 56 बन गया। अब हम दोबारा अपने ट्री की जो बैलेंस फैक्टर है उन्हें कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो ये हमारा ट्री है 0, यहाँ पे देखा जाए तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 1 और राइट सब ट्री की हाइट है 0। तो हमारे पास जो कैलकुलेट होगा बैलेंस फैक्टर वो कैलकुलेट होगा 1 - 0 विच इज इक्वल टू 1, राइट। अगर मैं इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करूं तो मेरे पास जो लेफ्ट सब ट्री, अब ये नोड डिलीट हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि हमने इसे मूव कर दिया था ऊपर। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो नोड डिलीट हो गई है उसके बाद 56 जो नोड मूव की है हमने ऊपर, उसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 1 और 2 और राइट सब ट्री की हाइट है 0। तो 2 - 0 हमारे पास जब कैलकुलेट होगा तो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर निकलेगा 56 का, वो आया हमारे पास 2। ठीक, और 0 का अगर मैं बैलेंस फैक्टर निकालूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 1, 2, 3 लेफ्ट सब ट्री की हाइट है और 1, 2 राइट सब ट्री की हाइट है। तो 3 - 2 हमारे पास आ गया 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही जो नोड है वो आउट ऑफ बैलेंस हो रही है, विच इज दिस 2। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जितनी भी नोड्स हैं वो सारी हमारे पास -1, 0, 1 और इन्हीं बैलेंस फैक्टर्स को कंटेन करती हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने अपनी जो नोड हैं इनको एवीएल रोटेशंस के थ्रू, ये जो अपना ट्री है इसे एवीएल रोटेशन के थ्रू बैलेंस करना है। अब आप मुझे यहाँ पे जरा सोच के बताएं कि हम कौन सा रोटेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक, हम यहाँ पे जो रोटेशन अप्लाई करेंगे, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो नोड आउट ऑफ बैलेंस है उसे हम कंसिडर करते हैं पिवट नोड, राइट। रिमेंबर, पिवट नोड हमने इसे बना लिया। अगर मैं देखूँ तो जो नोड हम बाद में इंसर्ट हुई है वो कौन सी है, लेफ्ट पे इंसर्ट हुई है और फिर दोबारा लेफ्ट पे नोड इंसर्टेड है। तो ये है लेफ्ट और लेफ्ट रोटेशन। और लेफ्ट रोटेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते थे कि हम एक पॉइंटर यहाँ पे रखते थे, एक पॉइंटर हम इसके चाइल्ड पे रखते थे, विच बी नेम्ड इट एज बी। ठीक, अब हमने कहा था कि बी के जो आपका पी है उसको आपने बी का चाइल्ड बना देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 56 को मूव कर देंगे इस साइड पे ताकि हमारा ट्री बैलेंस हो जाए और ये नोड डलवाने से डिलीट हो जाए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ज़रा ड्रॉ करके आपको बताती हूँ कि जो हमारा ट्री बचा है वो क्या है। 72, 72 के साथ हमारा 48, 48 के साथ 56, 48 की लेफ्ट साइड पे 30, 72 की राइट साइड पे हम 80 को प्लेस करेंगे और 80 की राइट साइड पे हम
94 को प्लेस करेंगे। ये हमारा ट्री अभी रिमेनिंग है। अभी हम कैलकुलेट करते हैं इनके जरा बैलेंस फैक्टर। अगर मैं लीफ नोड को देखूं तो जो कि लीफ नोड है तो इनके जो बैलेंस फैक्टर हैं वो हो जाएंगे 0, 0 एंड 0। इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करूं तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट भी 1 है, राइट सब ट्री की हाइट 1 है, ये भी 0 कैलकुलेट हुआ। अगर इसकी 72 की कैलकुलेट करूं तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 1, 2 और राइट सब ट्री की हाइट है 1, 2, तो तुम्हारा हमारा बैलेंस फैक्टर 0। इसकी कैलकुलेट करूं तो ये -1 है। तो अगर अब देखें आप तो आपका ट्री बैलेंस है, क्योंकि जो आपकी बैलेंस फैक्टर है वो -1, 0 और 1 के अलावा नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स से वी हैव टू डिलीट 72 अगेन। जब हम 72 को डिलीट करेंगे तो 72 भी एक ऐसी नोड है जिसके हमारे पास लेफ्ट और राइट सबट्राइब मौजूद हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हम KC को यूज करते हुए दोबारा इस नोड को डिलीट कर रहे हैं। अब हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या इन ऑर्डर सक्सेसर को देखना है। अगर मैं इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को देखूं तो मैं क्या करूंगी, मैं अब 72 जिस नोड को डिलीट करना है आपने उसकी राइट साइड पे मूव करना है और फिर आपने इन ऑर्डर सक्सेसर को ढूंढना है। इन ऑर्डर सक्सेसर कौन सा होगा, इस साइड पे जो सबसे छोटा एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट 90 है, तो आप अगर रिप्लेस करना चाहें तो आप इसको 72 को 80 से रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर मैं इसको इन ऑर्डर सक्सेसर से प्रीडिसेसर रिप्लेस करूं तो मैं क्या करूंगी, मैं 72 की लेफ्ट साइड पे मूव करूंगी और इस सब ट्री में से मैं ढूंढूंगी कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है और मैं उसको इससे रिप्लेस करूंगी। ठीक है, 72 को उस एलिमेंट से रिप्लेस करूंगी विच इज 56। अब ये हमारा ट्री था बिफोर। अब हम इसी ट्री को, ये जो हमने ये ट्री बनाया इसी में से हम 72 को भी डिलीट, ये हमारा ट्री आफ्टर टू डिलीशंस मौजूद है। ठीक है, 60 को भी डिलीट किया हमने और 50 को डिलीट किया तो हमारे पास ये ट्री बचा। अब हमने डिलीट करना है 72 को। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम अपने इन ऑर्डर सक्सेसर से इसको रिप्लेस करते हैं एंड देन वी विल डिलीट इट यूजिंग केस ए इधर और केस बी। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से 72 को डिलीट करने के लिए इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढते हैं। हम राइट साइड मूव करते हैं और फिर हम इसमें से वो नोड ढूंढते हैं जो कि सबसे मिनिमम हो। जब हम राइट साइड पे मूव किए तो हमारे पास राइट साइड पे 80 मिनिमम नोड है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको रिप्लेस करते हैं 72 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 80 को ले आते हैं 72 की जगह और 72 को यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं कि हम 72 को यहाँ पे लेके आए, तो एक और तरीका आप कर सकते हैं कि आप 72 के साथ 94 को रिप्लेस कर दें और फिर आप अपने जो एलिमेंट है उसे डिलीट करते हैं, 72 को डिलीट करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि चूंकि हमारे पास यहाँ पे 94 मौजूद है, तो आप क्या करें, आप एक ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसका एक चाइल्ड मौजूद है, तो आप केस बी को यूज करते हुए इस नोड को डिलीट करते हैं। ठीक है, यू कैन यूज इधर केस ए और केस बी। अब हम क्या कहते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं दोबारा से जो हमारे बैलेंस फैक्टर्स बचते हैं वो कितने, क्या बचते हैं, हम वो कैलकुलेट करते हैं 48 56 और 30। चूंकि ये लीफ नोड हैं तो ये हमारे पास 0 0, लेफ्ट सब ट्री 1 है, राइट सब ट्री भी 1 है, इसका बैलेंस फैक्टर भी 0 कैलकुलेट होगा। ये चूंकि हमने डिलीट कर दिया यूजिंग केस बी, तो ये लीफ नोड बच गई हमारे पास, तो इसका बैलेंस फैक्टर भी 0 कैलकुलेट होगा और ये हमारे पास रूट नोड बन गई है। अब इसका बैलेंस फैक्टर देखते हैं, ये हमारे पास है 1, 2 और इसकी हाइट कितनी है 1, 2 माइनस 1, 1। ठीक है, तो हमारा जो ट्री है वो बैलेंस है। तो अगर आपके पास डिलीशन के बाद भी आपका ट्री अनबैलेंस हो जाए तो आप वन ऑफ दी रोटेशन को यूज करते हुए अपने ट्री को पहले बैलेंस करेंगे और देन अगली डिलीशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब डिलीशन के लिए इतना ही है, केस ए बी और सी को यूज करते हुए हम किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं।